पीडब्ल्यूडी डिवीजन संग्रह की सड़कों ने 3 माह में ले 11 लोगों की जान। कार हादसे में मारे गए युवाओं के परिजनों को एसडीएम ने जारी की 25,000 की फौरी राहत। घास काटते वक्त गिरी महिला, इमीडिएट रिलीफ को लेकर नायब तहसीलदार हरिपुर धार को दिए निर्देश। अब तक एनएच सुदूर स्टेट हाईवे से भी नहीं जुड़ सका है हिमाचल के पहले सीएम का विधानसभा क्षेत्र रैणकाजी अथवा उपमंडल संग्रह। पुलिस प्रशासन व रोड सेफ्टी क्लब की तरफ से भी वाहन हादसे रोकने के लिए नहीं उठाए गए हैं संतोषजनक कदम। एमवी एक्ट की वॉयलेशन करने वालों पर सख्ती करने वाले एनजीओ पुलिस अधिकारियों के गत वर्ष चुनावी साल में हुए तबादले। नागरिक उपमंडल अथवा लोक निर्माण विभाग मंडल संग्रह की चालकों द्वारा कातिल कही जाने वाली तंग व खस्ता हाल सड़कों पर पिछले करीब 3 माह में रोड एक्सीडेंट में 11 लोगों की जान जा चुकी है। रविवार रात उपमंडल के अरट गांव के समीप कार एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले इसी गांव के 23 वर्षीय कृष्ण शर्मा व 22 वर्षीय पंकज के शव सोमवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस द्वारा परिजनों को सौंपे गए। हादसे में घायल 14 वर्षीय संग्रह के किशोर राघव को यहां से मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया था और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसडीएम संग्रह डॉक्टर विक्रम नेगी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को क्रमशः 25,000 की फौरी राहत राशि जारी की गई है। गौरतलब है कि बीडीसी संग्रह के अध्यक्ष एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व उपनिदेशक रह चुके मेलाराम शर्मा की कार HP03D3030 को लेकर उनके भतीजे भुहेरी से अपने गाँव आरट की तरफ आ रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ। हादसे में 2 युवाओं के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है और इलाके के पंचायत प्रतिनिधियों व भाजपा तथा कांग्रेस नेताओं ने इस दुर्घटना पर गहरी संवेदना जताई है। जानकारी के अनुसार इससे पहले गत वर्ष 4 अक्टूबर को संगड़ा के साथ लगते टिकरी गांव में हुए पिकअप हादसे में जहां 3 लोगों की जान गई, वहीं 22 नवम्बर को सैंज घाट के समीप पाइप एक्सीडेंट में एक की 30 नवंबर को धनोई के समीप हुए बाइक हादसे में एक शख्स की मौत हुई। इसके अलावा 12 दिसंबर को नौराधार के समीप एक कार एक्सीडेंट में एक शख्स की जान गई तो गत 7 जनवरी को खेगवा के समीप हुए वाहन हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर तो तीसरे की पीजीआई चंडीगढ़ में डेथ हो गई थी। 3 माह के भीतर क्षेत्र की खस्ता हालत सड़कों पर इस छोटे से इलाके के 11 लोगों की जान जाने के बावजूद ना तो अब तक पुलिस व प्रशासन तथा रोड सेफ्टी क्लब की तरफ से एक्सीडेंट रोकने के ठोस उपाय किए गए हैं और ना ही बार बार सड़क हादसों पर गहरी संवेदना जताने की आदि हो चुके क्षेत्र के नेता यहां सड़कों में सुधार व एक्सीडेंट रोकने के प्रति खास संवेदनशील नजर आ रहे हैं। विडंबना तो यह है कि हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार का विधानसभा हल्का रह रेणुकाजी अथवा उपमंडल संगड़ा को अब तक एनएच और स्टेट हाईवे से भी नहीं जोड़ा जा सका है। इलाके की खस्ता हाल सड़कों पर सिरमौर व हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों की बजाय हादसों में हर साल कई कई लोग जान गंवाते हैं। इन दिनों क्षेत्र में बर्फबारी के बाद सड़कों पर पाला अथवा कोहरा जमने के चलते रोड एक्सीडेंट का ज्यादा अंदेशा रहता है और पड़ोसी राज्य हरियाणा व पंजाब आदि से क्षेत्र में बर्फ देखने आने वाले लोगों को यहां की तंग सड़कों पर ड्राइविंग की आदत न होने के चलते हर साल आम दिनों से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। गौरतलब है कि 1 साल पहले तक यहाँ एमवी एक्ट की वॉयलेशन करने वालों पर सख्ती करने वाले एनजीओ स्तर के पुलिस अधिकारियों को गत वर्ष चुनावी साल में जानकारी के अनुसार चालकों अथवा आम लोगों को खुश करने के लिए बदला गया और जीतराम खेमचंद व खुशाल नामक पुलिस कर्मियों में से आखिरी कर्मचारी की ट्रांसफर के बाद यहाँ पहले से ज्यादा वाहन हादसे होते देखे जा रहे हैं। कार हादसे में मारे गए युवाओं के अलावा संगड़ा अस्पताल में सोमवार को घास काटते वक्त गिरी हरिपुर धार के साथ लगते जोगी कबाग की महिला का भी पोस्टमार्टम हुआ और पुलिस द्वारा मामले की तहकीकात की जा रही है। एसडीएम संगड़ा ने कहा कि नायब तहसीलदार हरिपुर धार को महिला की मौत के मामले में तहकीकात कर राहत राशि जारी करने संबंधी कार्यवाही को कहा गया है।